Welcome you all. In this video today we are going to discuss about the external memory. So external memory क्या होती है वो अपन देखेंगे. जैसे previous में अपन ने पढ़ा था internal memory और उनके बारे में कुछ देखा था. आज अपन पढ़ेंगे external memory क्या होती है. The device that provide backup storage are called external memory or auxiliary memory. और अपन कह सकते हैं जो कि किसी data को permanently backup के रूप में store करने के लिए अपन को जो facility provide कराती है, जिसको अपन simply क्या कहते हैं, external या auxiliary memory. It includes serial access type such as magnetic tape and random access type such as magnetic disk. इसका मतलब क्या हो गया, ये serial access भी provide कराती है. serial मतलब एक के बाद एक, one after another, like a magnetic tape, जो cassettes में अपन tape use करते थे उसकी बात कर रहे हैं. random access, random का मतलब अगर कोई data अपने पास store है तो हम किसी भी data को किसी भी track से अपन या किसी भी जगह से read कर सकते हैं सीधा, और वो बोलाता है random access. और उसका example है magnetic disk का. तो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप क्या होती है वो अपन देखते थे. तो अ मैग्नेटिक टेप इज अ स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद अ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम. तो इस क्या होती है, एक प्लास्टिक कोटेड एक टेप होती है जिसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम उसके ऊपर कोटेड होता है. डेटा कैन बी रिकॉर्डेड एंड रीड एज अ सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तो डेटा जो होता है वो सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर उसके ऊपर राइट होता है या फिर रीड होता है. तो रीड राइट हेडर, तो रीड राइट जो हेड उसके साथ अपन ये रीड या राइट कर सकते हैं. इट कैन स्टॉप स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड और इन रिवर्स और कैन बी रिवाउंड. इसको अपन स्टॉप कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं. डेटा ऑन द टेप्स आर स्ट्रक्चर्ड एज अ नंबर ऑफ पैरेलल ट्रैक्स रनिंग लेंथ वाइज. तो इसके अंदर बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो टेप के स्ट्रक्चर्ड एज अ नंबर ऑफ पैरेलल ट्रैक्स. तो जो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है आपका सारा डेटा. अर्लियर टेप सिस्टम टिपिकली यूज द 9 ट्रैक. तो पहले जो टेप सिस्टम था उसके अंदर 9 ट्रैक्स होते थे, जिसके अंदर जो 8 ट्रैक्स थे, जो 8 ट्रैक्स थे वो उसके अंदर एक बिट जो एक बाइट का डेटा जो होता है वो स्टोर होता था. एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो एक ट्रैक के लिए तो 8 बिट 8 ट्रैक में स्टोर होती थी विद एडिशनली पैरिटी बिट ऑफ 9 ट्रैक. जो 9 बिट ट्रैक थे उसके लिए अपन पैरिटी बिट का यूज करते थे. रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिफर टू द पैरेलल रिकॉर्डिंग. इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेटिक के अंदर एक टेप होती है प्लास्टिक की जो कि मैग्नेटिक कोटेड होती है. रीड और राइट हेडर के साथ से डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, रिवाइंड फॉरवर्ड और रिवर्स इसको कर सकते हैं. और इसके अंदर जो डेटा को अपन रिकॉर्ड करते हैं उसको अपन कहते हैं पैरेलल रिकॉर्ड. सो अगला अपन पढ़े हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है. देखो अब मैग्नेटिक डिस्क इज सर्कुलर प्लेट. जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक सर्कुलर प्लेट होती है कंस्ट्रक्ट विद अ मेटल और प्लास्टिक. मेटल की भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है. कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल से ये कोटेड होती है बोथ द साइड, दैट इज इंपॉर्टेंट. जो डिस्क होती है मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो आपकी दोनों तरफ कोटेड होती है. और डिस्क आर यूज इन सेवरल डिस्क स्टैक ऑन अ स्पेंडल विथ रीड और राइट हैड अवेलेबल ऑन द ईच सरफेस. का मतलब क्या हो गया, हर सरफेस के ऊपर एक रीड राइट हैड होता है. और जो कैसेट्स जो होती है वो दोनों तरफ होती है और एक के दूसरे के ऊपर एक माउंटेड होती है स्पैंडल से. देखेंगे अपन एग्जांपल दे रखा है मैंने आपके लिए. ऑल द डिस्क रोटेट टुगेदर एट हाई स्पीड. सारी डिस्क एक साथ रोटेट होती है हाई स्पीड पे. बिट आर स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक सरफेस इज इन स्पोर्ट्स. तो बिट जो होती है वो मैग्नेटिक सरफेस में स्टोर होती है अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद कंसेंट्रिक सर्कल कॉल्ड अ ट्रैक. तो ट्रैक के रूप में स्टोर होती है. द ट्रैक्स आर कॉमनली डिवाइडेड इन टू अ सेक्शन कॉल्ड सेक्टर्स. तो सबसे पहले डिस्क होती है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रैक होते हैं. ये डिस्क है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रैक हैं और हर ट्रैक को अपन ने किस में बांट रखा है, सेक्टर्स में बांट रखा है. ऑफन द रीड और राइट हेड आर पोजिशन इन द स्पेसिफिक ट्रैक. द सिस्टम हैज टू वेट अंटिल द रोटेटिंग डिस्क रीच द स्पेसिफिक सेक्टर अंडर रीड और राइट हेड. इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर अपन को जाना है तो रीड और राइट जो हेड है वो आप किसी पॉइंट पे आने के लिए ये रोटेट करके डिस्क, जब तक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिस्क रोटेट होके नहीं आ जाती तब तक सिस्टम क्या करता है, वेट करता है. द ट्रैक आर कॉमनली डिवाइडेड इन टू सेक्शन. ये हो गया अपना डिस्क दैट परफॉर्म परमानेंटली अटैच टू द यूनिट असेंबली एंड कैन नॉट बी यूज बाई ओकेशनली यूजर कॉल्ड हार्ड डिस्क. इसका मतलब क्या हो गया, ये परमानेंटली जो डेटा है ये जो डिस्क है वो सिस्टम में परमानेंटली स्टोर होती है. इसको अपन विद द रिमूवल
डिस्क इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। तो ये परमानेंट डिस्क होती है उसको अपन हार्ड डिस्क कहते हैं, और जो डिस्क अपन रिमूव कर देते हैं उसको अपन पहले कहते थे फ्लॉपी डिस्क। आजकल रिमूवल हार्ड डिस्क भी आ गई है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क जिसको अपन बोलते हैं, यूएसबी ड्राइव जिसको एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव बोलते हैं। उसके अलावा फ्लॉपी का सिस्टम लगभग बंद हो गया है। फ्लॉपी के अलावा अपन यूएसबी पेन ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन अपने पास हैं। ये इनका कुछ आर्किटेक्चर है जिसको अपन डिस्कस करते हैं, क्या इसके आर्किटेक्चर्स होते हैं वो अपन देखते हैं। तो आर्किटेक्चर क्या है वो देखते हैं ना। इंटायर डिस्क इज डिवाइडेड इन टू द प्लेट्स, सारी प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है, और प्लेट को अपन डिवाइड करते हैं ट्रैक्स के अंदर। दिस ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू द सेक्टर्स। तो ये जो ट्रैक्स हैं तो पूरी प्लेट को अपन ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, और हर ट्रैक्स के अंदर अपने क्या होते हैं सेक्टर्स होते हैं। सिलेंडर इज फॉर्म बाय द कम्बाइंड ट्रैक्स इन द गिवन रेडियस ऑफ द डिस्क। तो देखो यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म किया गया है, तो बहुत सारे डिस्क जो हैं उनको अपन ने कंबाइंड किया है, और कंबाइंड के बाद एक सिलेंडर बन गया है। ये एक के बाद एक डिस्क होती हैं, इनके दोनों तरफ सरफेस होते हैं, और दोनों तरफ डेटा लिखा जाता है, और रीड राइट हेड जो होता है वो रैंडम एक्सेस की सहायता से डेटा को रीड करता है। देयर एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म आर्म कॉल अ रीड और राइट हेड, इट यूज टू रीड एंड राइट द डिस्क हेड द ईच एट द पर्टिकुलर ट्रैक एंड देन वेट फॉर द रोटेटिंग ऑफ द प्लेट्स। का मतलब क्या हो गया, हेड एक ही जगह फिक्स होता है और प्लेट रोटेट होती है, और जिस पॉइंट पे अपन को डेटा लिखना है वहाँ आके वो प्लेट रुक जाती है। ईच प्लेट हैज टू सरफेस, टॉप एंड बॉटम, एंड बॉटम सरफेस आर यूज टू स्टोर द डेटा। ईच सरफेस बोथ, दोनों सरफेस में अपन डेटा अपन स्टोर करने के लिए करते हैं। ईच सरफेस हैज ओन रीड राइट हेड, तो हर एक सर्फेस के पास अपना खुद का रीड राइट हेड होता है। कुछ इस तरीके से कि आपका रखा है स्पिंडल जिसके अंदर लगी होती है, और रीड राइट हेड, ये सारे रीड राइट हेड है आपके एक आर्म असेंबल या आर्म के ऊपर ये अटैच होते हैं। सॉरी, तो ये रीड राइट हेड अगर आप देखोगे तो रीड राइट हेड सबके ऊपर अटैच है। डिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर, अब ये देख रहे हैं कि ये जो डिस्क होती है पर्टिकुलर कोई भी हार्ड डिस्क अपन खरीद रहे हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो ये कुछ पांच पॉइंट्स हैं जिसमें सीक टाइम क्या होता है, रोटेटिंग लेटेंसी क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, कंट्रोल ओवरहेड क्या होता है, क्विंग डिले क्या होता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नाउ कंपोनेंट दैट कंट्रीब्यूट द सर्वर टाइम, सबसे पहले आप बोलते हैं सीक टाइम। तो सीक टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय द रीड और राइट हेड टू रीच अ डिजायर्ड ट्रैक इज कॉल्ड द सीक टाइम। मतलब अगर आपका हेड फिक्स है और पर्टिकुलर पॉइंट में किसी डिस्क पे जाना है, तो वह टाइम जब डिस्क घूम के उस पॉइंट के पास, उस हेड के पास आ जाए, दैट इज सिंपली नोन एज अ सीक टाइम। इट इज द कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द डिस्क सर्विस टाइम। द लोअर सीक टाइम द फास्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगर सीक टाइम कम होगा मतलब जहाँ पर जाना है वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं, तो उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का टाइम जो क्या होगा वो फास्टर होगा। रोटेशन लेटेंसी का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द डिजायर सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल के अंदर ये ट्रैक्स होते हैं, और हर ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। The time taken by the desired sector to come under the read write head is called the rotational latency. तो एक पर्टिकुलर जो सर आपका पूरा ट्रैक होता है उसके अंदर जो सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर ऊपर रीड राइट हेड को आने का जो समय लगता है उसको उनका बोलते हैं रोटेटिंग लेटेंसी। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द स्पिंडल। तो स्पिंडल कितनी जल्दी से घूम सकता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एवरेज रोटेटिंग लेटेंसी इज 1/2 इंटू टाइम टेकन फुल रोटेशन। तो एक फुल रोटेशन में इतना टाइम दिया जाता है, उसका हाफ जो होता है वो आपको क्या कहलाता है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, उसके एवरेज रोटेशनल लेटेंसी के नाम से। तीसरा डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द डेटा दैट पास अंडर द रीड राइट हेड। जो पर्टिकुलर डेटा अमाउंट होता है वो रीड राइट हेड में जो पास होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। देन सो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट पास अंडर द रीड राइट हेड इज गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। डेटा ट्रांसफर रेट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेटा दैट पास अंडर द रीड राइट हेड इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर समय के अंदर अगर वो डेटा उस डिस्क के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर रेट बोलेंगे, और टाइम टेकन टू ट्रांसफर डेटा इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। तो डेटा को ट्रांसफर करने में समय लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टाइम बोलेंगे।
इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड, जितनी बाइट्स अपन ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क, डिस्क की घूमने की स्पीड पर डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ द ट्रैक, एक ट्रैक की कितनी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कनेक्ट टू द डिस्क टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपन यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में। नाउ कंट्रोल ओवरहेड का मतलब क्या होता है? द ओवरहेड इम्पोज बाय द डिस्क कंट्रोलर इज कॉल्ड कंट्रोल ओवरहेड। डिस्क कंट्रोलर के द्वारा जो ओवरहेड अपन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इम्पोज हो रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ कंट्रोल ओवरहेड। डिस्क कंट्रोलर इज डिवाइस दैट मैनेज द डिस्क। तो ये डिस्क कंट्रोलर जो होता है वो एक डिवाइस होती है जो कि डिस्क को मैनेज करता है। तो डिस्क ओवरहेड इसको उसको बोलते हैं। नाउ द लास्ट क्यूइंग टाइम या क्यूइंग डिले, क्यूइंग डिले का मतलब क्या होता है? The time is spent wait for the disk to become the free is called the queuing delay. तो क्या होता है? Spend waiting for the disk to become free. Spending the waiting time to become free is simply known as a queuing delay. तो ये आपका था मैग्नेटिक डिस्क, जिसके कुछ फैक्टर्स थे, ये उसका डायग्राम था। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया हो। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। जो अपनी सीडी होती है या डीवीडी ड्राइव्स होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। ये भी आपके एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर आता है। द ह्यूज कॉमर्शियल सक्सेस ऑफ सीडी इनेबल्ड द डेवलपर ऑफ लो कॉस्ट ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट हैज रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। क्या मतलब हो गया इसका देखो, रिवोल्यूशनाइज सिंपली द ह्यूज कॉमर्शियल सक्सेस ऑफ सीडी इनेबल्स। तो ये सीडी का जो बड़े पैमाने पर जो डेवलपर्स उन्होंने इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि पूरा एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। डिस्क इज फ्रॉम रेसिन सच एज पॉलीकार्बोनेट। तो ये पॉलीकार्बोनेट का कुछ मटेरियल होता है, उससे फॉर्म्स होती है। डिजिटली रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इज इम्प्रिंटेड एज अ सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स। तो इसके ऊपर जो डेटा होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्पीड के रूप में अपन स्टोर करते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉली कार्बोनेट, तो पॉली कार्बोनेट के सर्फेस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक पिट्स के रूप में डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, प्रिंटेड होता है। दिस इज डन विद द फाइनली फोकस्ड हाई इंटेंसिटी लेजर। फाइनली फोकस्ड हाई इंटेंसिटी लेजर, तो फाइनली फोकस हाई इंटेंसिटी लेटर लेजर लेजर के द्वारा ये जो पॉली कार्बोनेट प्लेट्स होती है और उसके ऊपर जो इम्प्रिंटेड एज अ सीरीज ऑफ माइक्रो पिट्स होता है वो अपन इम्पोज करते हैं। The pitted surface is then coated with reflecting surface, usually aluminium or gold. जो printed surface होता है, pitted surface जो होता है वो coated होता है या तो aluminium या gold से। The shiny surface is protected against the dust and the scratch by the top coat of acrylic. तो acrylic की सहायता से अपन उसमें dust और जो scratches है उससे अपन उसको prevent कर सकते हैं। Information is retrieved from the CD by the लो पावर लेजर। देखो जो इन्फॉर्मेशन रीड करनी होती है तब जो लेजर होती है वो लो पावर के लेजर पर यूज करते हैं और यहाँ पे अपन हाई पावर के लेजर उसमें स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द लेजर चेंज एज द इनकाउंटर ए पिट्स। तो इंटेंसिटी होती है वो कब चेंज होती है? इनकाउंटर इसका मतलब जो लेजर है वो उसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है उसके आगे जब वो पर्टिकुलर पिट आता है तब आपकी डेटा के जो वैल्यू वो चेंज होती है। स्पेसिफिकली इफ द लेजर बीम फॉल्स ऑन अ पिट विच हैज सम वॉट रफ सर्फेस देन लाइट स्कैटर्ड एंड लो इंटेंसिटीज रिफ्लेक्ट बैक टू द सर्फेस। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लो इंटेंसिटी पे गिरी जा रही है तो ये लाइट जो होती है आपके रिफ्लेक्ट करती है। द एरिया बिटवीन द पिट्स आर कॉल्ड लैंड। तो वो दो पिटों के बीच में जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। द लैंड इज स्मूथ सर्फेस विच रिफ्लेक्ट बैक एट अ हाइट इंटेंसिटी। तो लैंड जो होता है वो स्मूथ सर्फेस होता है और रिफ्लेक्ट द बैक एट अ हाई इंटेंसिटी, मतलब जो लेजर अपन इस पर डालते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट करता है अपन को हाई इंटेंसिटी के साथ। द चेंज बिटवीन पीट्स एंड लैंड इज डिटेक्टेड बाय द फोटो सेंसर एंड कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल। तो ये जो पीट है और लैंड है इनके बीच में जो लेजर अपन डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और हाई हो रही है, ये सारा अपन रिकॉर्ड करते हैं और किसकी सहायता से, सेंसर्स एंड कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। The sensor tests the surface at the regular interval. तो ये जो surface होता है sensor जो होता है उसको test करता रहता है जिससे data आपका read होता है। तो ये आपका simple सा CD का concept था।
के आधार पे आपका डीवीडी कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेयर्स होती है, वेरी हाई कैपेसिटी इसके अंदर होती है। इसकी जो साइज होती है वो करीबन 4.7 GB तक होता है पर लेयर, जी पर लेयर उसके अंदर होता है। फुल लेंथ मूवी में सिंगल डिस्क अपन अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग MPEG कंप्रेशन से अपन डेटा को स्टोर करते हैं। फाइनली स्टैंडर्डाइज होनेस्ट मूवी कैरी रीजनल कोडिंग्स इसके अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं। प्लेयर ओनली प्ले करेक्ट रीजन्स फिल्म। देन डीवीडी राइटेबल क्या होती है, एक राइटेबल डीवीडी भी आती है। लोड ऑफ अ ट्रबल विद स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट जनरेशन डीवीडी ड्राइव में नॉट रीड फर्स्ट जनरेशन डीवीडी डब्ल्यू डिस्क, फर्स्ट जनरेशन डीवीडी राइट में नॉट रीड सीडी रीड राइट डिस्कवर क्या हो गया। फर्स्ट जनरेशन डीवीडी ड्राइव जो होती है वो कुछ डीवीडी जो रीराइटेबल डिस्क होती है उसको, ये राइटेबल डिस्क जो होती है उसको अपन हो सकता है रीड ना करते हो, और कुछ फर्स्ट जनरेशन के डीवीडी राइट में नॉट रीड सीडी रीड राइट डिस्क, तो कुछ सीडी रीड राइट डिस्क होती है उनको भी रीड ना कर सकते हो, पॉसिबल है फर्स्ट जनरेशन वाले डीवीडी ड्राइव्स की बात करें। बाकी आज के ज़माने में जो डीवीडी ड्राइव्स है वो सारे ड्राइव को रीड कर सकती है, वो एडवांस जनरेशन डीवीडी ड्राइव्स होती है। तो ये आपका था एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें तो बहुत ही बेसिक तरीके से समझा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होते हैं। इससे अगले वीडियो में थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे, कुछ फार्मूलेज पढ़ेंगे, उसके आधार पर क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।